रविवार से मध्य प्रदेश में ठंड से मिलेगी कुछ राहत, भोपाल में चली शीतलहर। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। मौसम संबंधी खबरों की जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मौसम संबंधित विशेष बड़ी खबर। हवाओं का रुख उत्तरी से उत्तर पूर्वी और पूर्वी होने लगा है, इससे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, इसके असर से मंगलवार तक तापमान बढ़ेगा। इसके बाद एक बार फिर दिन रात के तापमान में कुछ गिरावट होने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि शनिवार को सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया, खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया। भोपाल, रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, खजुराहो, बैतूल, धार, खंडवा एवं रतलाम में शीतलहर का प्रभाव रहा। साहा ने बताया कि गुरुवार दोपहर से हवा का रुख पूर्वी हो गया था, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी क्रम में राजधानी का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह शुक्रवार के अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी राजधानी शीतलहर की चपेट में रही। साहा ने बताया कि शाम के समय हवा का रुख फिर उत्तर पूर्वी होने लगता है, इस वजह से रविवार से रात के तापमान में मामूली बढ़त होने के आसार है। आज आएगा पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकी अजय शुक्ला ने बताया कि रविवार को एक कमजोर आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, इसके असर से हवाओं का रुख बदलेगा। इससे रविवार से दिन तापमान बढ़ने लगेगा। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला 15 फरवरी तक बना रह सकता है, उसके बाद तापमान में गिरावट होने लगेगी। मौसम संबंधी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।